अंत तो केवल मृत्यु है, लेकिन हर दिन प्रयत्न करना ही जीवन है। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत करता है भगवान एक दिन उसको सफलता जरूर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। लगभग मैं 2-2.5 साल बाद मैं कॉपी किताब पकड़ी हूँ, मतलब कुछ अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जब से छोटा बेबी हुआ तब से मैं परेशान रहती थी। आए दिन बीमार, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होती रहती थी, लेकिन जब सर्जरी हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया। अब वो ठीक रहता है, बिल्कुल नॉर्मल बेबी जैसे रहता है, उतनी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। अब तो सीटेट का प्राइवेट में भी डिमांड हो गया है। एक बैचलर और हाउसवाइफ में बहुत अंतर हो जाता है। हाउसवाइफ केवल झाड़ू पोछा बर्तन खाना ही नहीं, उसके बावजूद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, बच्चों की, हस्बैंड की। मैं भी ससुराल में बहुत कष्ट और संघर्ष के साथ मैं पढ़ाई की हूँ, आगे की पढ़ाई की हूँ। यही मैं 1 हफ्ता 10 दिन से मैं सीटेट की तैयारी में लगी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यूट्यूब से ही सिलेबस निकाली हूँ और हिमांशी मैम और सचिन सर का मैं क्लास देखती हूँ, उन्हीं का वीडियो वगैरह देखती हूँ, उन्हीं का और अरियंत का एक बुक ली हूँ जिससे मैं क्वेश्चन पेपर 5-6 साल का है वही सर लोग बताते, मैं उसमें टिक लगाती हूँ, उस वही 3-4 साल पेपर में देख रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। अगर सर जो मनोवैज्ञानिक जिन प्याजे वगैरह के जो सिद्धांत बताते हैं उनको मैं नोट्स करती हूँ और यूट्यूब से वीडियो वगैरह पढ़ती हूँ, NEP NCF रेटिंग सब पढ़ती हूँ। उत्तर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। 1 से 3 मैं अपने लिए निकालती हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बड़ा वाला बच्चा 3 बजे आता है और छोटा वाला मैं लगभग 1 बजे सुला देती हूँ खिला पिला के। 1 से 3 मैं डेली पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई के बीच में ब्रेक हो जाने से बहुत दिक्कत हो जाती है। ये मैंने BHU का 1st और 2nd पेपर मैंने एक बार फर्स्ट टाइम ही मैं निकाली थी, वो भी 3रा रैंक था मेरा। लेकिन CTET उतना भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ एक हाउसवाइफ के लिए टफ है। अगर मैं पढ़ूंगी तो जरूर भगवान सक्सेस जरूर करेंगे, नहीं 1 साल तो 2 साल 3रा साल तो निकल ही जाएगा। बस इसी आशा और विश्वास से मैं आई कर रही हूँ, क्या पता मैं फर्स्ट टाइम ही भी निकाल सकती हूँ CTET। मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ मेहनत करूँगी तो जरूर जरूर निकलेगा। दिन में जो है 2 घंटा पढ़ती हूँ, रात को तो शायद एक या आधा घंटा निकलता है, डेली नहीं निकल पाता, क्योंकि छोटा वाला बच्चा इतना परेशान करता, पढ़ने ही नहीं देता है, कॉपी की छीन ही लेगा। जब वो सोता है रात को तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। पढ़ाई के बाद 2-2.5 साल का ब्रेक हो जाने से बहुत दिक्कत होता है। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।